कुक विद विद्या एंड मिक्की में आपका स्वागत है। मैं आपको गुलाब जामुन बहुत आसान तरीके से बताऊंगी और सरल तरीके से। अब मैं शुरू करती हूँ, उसकी रेसिपी देखिए। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने आज रक्षाबंधन के लिए मैं बना रही हूँ, उसके लिए मैं पहले चाशनी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं चीनी 1.5 कटोरी डालूंगी और पहले मैं गैस चालू कर लेती हूँ। चीनी 1.5 कटोरी और पानी 3 कटोरी। पहले मैं पानी डालूंगी, दो अब इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। पहले चाशनी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद 1/2 कटोरी और चीनी। इसको जब तक चाशनी बनती है तब तक मैं आज खोए से गुलाब जामुन बनाऊंगी। उसका पूरा वीडियो देखने से उसका ट्रिक्स पता आपको चलेगा क्या क्या चीज पड़ती है और कभी खराब नहीं होती है चाहे वो सब। ये मावा है 250 ग्राम, अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसमें 2 चम्मच मैदा, सूजी 2 चम्मच। ये सूजी से ये बहुत खिला खिला बनता है और बड़ा भी होता है इसे गुलाब जामुन, और बढ़िया लगता है, टूटता भी नहीं है। और इलायची पाउडर सभी को लेकर अब मिक्स कर लेते हैं। ऐसे अच्छे से मसल के इसको तैयार कर लेते हैं। इसको ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसलना होता है, ये आटे की तरह गूंदना नहीं है। तो ये मुलायम और नरम आपका गुलाब जामुन तैयार होगा। ये ध्यान कर देखने का है। अब इसे हम गोल गोल नींबू की तरह बना लेते हैं। सभी को देख रहे कितना चिकना बन रहा है। तब तक मेरा चाशनी भी थोड़ा देर में तैयार हो जाएगा और सभी को मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। आप अपने अंदाज से जितना बड़ा छोटा बनाने का है उस तरह से आप बनाइए। ऐसे सारी मैं गोल गोल नींबू की तरह बना लेती हूँ। ये देखिए जब तक तैयार हो रहा था तब तक मैंने ये चाशनी भी तैयार कर ली। अब इस चाशनी को देख लेना है, एकदम ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक तार की हो जाए और ये चाशनी तैयार हो गई है। ज्यादा गाढ़ा होने से हमारा गुलाब जामुन अच्छे से नहीं फूलेगी। अब मैं बंद कर देती हूँ, तब तक मैं पूरा गोली तैयार कर लेती हूँ गोल गोल।
देखिए अब मेरा घी भी गर्म हो गया है। घी में भी छान सकते हैं और रिफाइंड में भी छान सकते हैं। आज मैंने घी का डाली हूं, अब देखते हैं एक डालकर छोटा सा कि गर्म हो गया है कि नहीं। अच्छी गर्म हो गई है, अब इसमें मैं हरी गोली को डाल देती हूँ। इसको मीडियम आंच में धीरे धीरे पकने देते हैं। अब मेरा गुलाब जामुन अच्छे से बढ़िया बन गया है। देख रहे कितना प्यारा सा बना है। वैसे निकाल लेती हूँ और दूसरा बार भी फ्राई कर देती हूँ। ऐसे ही सारी गोलियां को मैं फ्राई कर इसको धीरे धीरे चलाते रहते हैं। अभी गरम है चाशनी मेरा हल्की, अब इसमें मैं डाल देती हूँ जो पहले वाला छना हुआ था। ऐसी सारी गोली बनाकर उसी में डाल देती हूँ। ये 3 से 4 घंटे के अंदर में ये अच्छे से रस में तैयार हो जाते हैं। ये भी तैयार हो गया। सारी में डाल देते हैं, इसे भी चाशनी के अंदर डाल देते हैं। थोड़ा फ्राई होने के बाद ही आप पलटिए। ये 2 घंटे में ही ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है, कितना स्पॉन्जी है। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। अब इसे सब करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने सारे गुलाब जामुन को रख दिए, अब इसे मैं कट करके भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये अंदर तक ही पूरा रस भरा हुआ है। ये देखिए पूरा रस भरा हुआ, अब पूरा देखिए जालीदार बना हुआ है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करने और सब्सक्राइब करने से पीछे नहीं हटिए। इसका कंजूसी मत करिएगा।